हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन छात्रों के लिए जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है SSGD का। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए आज तक अभी तक जितना एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी आपको एकदम रट लेना है। अगर आपका कल भी एग्ज़ाम है, परसों भी एग्ज़ाम है, तो ये चीज़ें आपको एकदम अच्छे से कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलने वाला है। एक तो लगातार पंचवर्षीय जो योजना है प्लानिंग कमीशन, वो सारा का सारा रिपीट हो रहा है लगातार। पता नहीं SSC ऐसा क्यों कर रही है, बाकी पेपर पता नहीं ऐसी इस बार कैसे सेट किया है। प्लानिंग कमीशन बार बार रिपीट हो रही है और उनमें से देखने को मिल रहा है। दूसरा, जितने भी ये जो नियुक्तियां हैं, सारी की सारी जो नियुक्तियां हैं वो पढ़ना है आपको। और वर्तमान में जो करंट स्पोर्ट का करंट अफेयर्स है वो अभी एकदम अच्छे से रट लेना। स्पोर्ट का जितना भी है सारा का सारा, IPL वाला हो या फिर वो जितना भी बनता है, वो सारा का सारा रट लीजिए। स्पोर्ट करंट अफेयर्स उसमें से आते हैं। और रीजनिंग की बात करें तो आज वो क्वेश्चन देखने को मिला है, जैसे ये जो जो नंबर दे देते हैं प्लस माइनस वाला, वो हर शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला है। उन क्वेश्चन में होता क्या है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, 1 मिनट लग जाता है पूरा का पूरा। 1 मिनट किसी के अगर सेट नहीं होता है तो 1.5 मिनट भी लग जाता है। जैसे 25 भाग 5 × 4 + 7, अब इसको ऑप्शन दे दिया कि क्या चेंज करना है, +(5, 7) - +, एक तो साइन चेंज वाला ये दे देता है। तो ये एक बार आपको प्रयास कर लेना है। देखो इनको करने के लिए एक ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, भाग और इंटू वाला देखना है, जहाँ भाग का साइन है, ठीक है ना। नीचे ऑप्शन में भी भाग और इंटू का साइन देखना है। अब उन दोनों को चेंज करते हैं ना, तो आपको पहले की संख्या देखना कि इसमें ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो उसको छोड़ो, ये करने का ये तरीका है। बाकी अभी ट्रिक सीखने का टाइम नहीं है, ये आपको थोड़ा सिंपल सा मैंने बता दिया कि ऑप्शन वैसे चेक करो और ऑप्शन कट करो, वो ये बेस्ट इसको करने का तरीका है। और करंट अफेयर्स, 5 करंट अफेयर्स लगातार, 5 हर शिफ्ट में 5 करंट अफेयर्स देखने को मिल रहा है, तो करंट अफेयर्स का वेटेज भी अच्छा है। और इतना हार्ड भी जीके देखने को नहीं मिला है। 20 में से 5 करंट अफेयर्स बहुत बड़ी बात है, आपको करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और देखो अच्छी बात ये है कि ज़्यादा पुराना भी नहीं पूछ। हेलो दोस्तों, SSC GD कॉन्स्टेबल की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, 3350 बहुविकल्पीय प्रश्न और 9 सोल्ड पेपर्स, 2021, 2019, 2015, 2013 ये प्रीवियस ईयर सारे के सारे पेपर मिलने वाले हैं आपको। तो एक पेपर का लेवल आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको जो इसमें लेवल दे रखा है इस बार वही सेम टू सेम लेवल आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर जो पेपर हो उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो ये आपका लेवल रहने वाला है, ये देखिए ये आपका एग्ज़ाम लेवल रहने वाला है। तो अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हो, नहीं तो मार्केट में भी अवेलेबल मिल जाएगी। इसके अलावा ये चक्षु प्रकाशन की गाइड बुक है SSGD की, इसमें कंप्लीट सिलेबस दे रखा है, साथ ही 2800 प्रश्न है और 3 सोल्ड पेपर है इसमें, ये प्रैक्टिस सेट है। लगातार जो 6-7 महीने का है वो लेटेस्ट करंट अफेयर्स में पूछ रहे हैं, तो वो आप एकदम अच्छे से कर लेना। अगर आपका एग्ज़ाम 2 दिन बाद में, 10 दिन बाद में, 15 दिन बाद में, जब भी आपका एग्ज़ाम है, ये करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेना और प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिए। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि अभी जो ये एग्ज़ाम अभी तक हुआ है, ये सारा जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसके बहुत सारी वेबसाइट उस पर आ गए हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, आप गूगल पर भी देख सकते हो, टेस्ट बुक पर भी आ गए मेमोरी बेस्ड टेस्ट। वो क्वेश्चन वही है जो SSGD में एग्ज़ाम में अभी आए हैं ना, छात्रों के रिव्यू के आधार पर वो बनाए गए हैं। तो वो क्वेश्चन, वो टेस्ट आप ज़रूर लगाइएगा। और कुछ ऐसे भी YouTube पे चैनल है जहाँ पर जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, वो जो रोज़ाना छात्रों से पूछते हैं, वो सारे के सारे वो बना देते हैं, अपने आप कैसे बनाते क्या बनाते नहीं पता है, बाकी ठीक होते हैं, उनका जो छात्र बताते हैं वही क्वेश्चन उनमें देखने को मिलता है। तो वो जीके आप एकदम अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा, तब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर 2-3 क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते तो आपका तो काम बन गया ना, क्योंकि 40 में से 20 नंबर आप जीके में ला रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर है ये SSGD के लिए, ठीक है। तो कुछ चैनल ऐसे भी हैं जहाँ पर जीके करा रहे, तो वो जीके देखते जाओ। और मैथ भी देखते जाना है आपको, मैथ का बहुत तकड़ा बेनिफिट होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ संख्याएँ चेंज कर रहे हैं, सिर्फ संख्या चेंज करना है, बाकी वही चीज़ है, टॉपिक वगैरह सारा का सारा, क्या क्या टॉपिक पूछ रहे हैं, क्या फॉर्मूला वैसे सब कुछ वो सेम ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम होगा मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, हर शिफ्ट में किस शिफ्ट में क्या कितना वो सब
एग्जाम का जो रिव्यू है, छात्र किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, वो सारा का सारा मैं भी जो रोजाना डेली क्वेश्चन पूछते हैं उसके आधार पर आपको बताता हूँ सारा का सारा, फर्स्ट सेकंड से जो भी है उसमें कौन कौन से कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, हार्ड क्वेश्चन, लो क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन मैं आपको वो देखते हुए बताता हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना। जय हिंद, जय भारत।